हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौरव अडवाणी और आज हम बात करने वाले हैं होंडा अमेज की लाइट एडिशन के बारे में। होंडा ने इंट्रोड्यूस किए हैं स्पेशल एडिशन ऑफ अमेज दैट इज नोन एज इलाइट एडिशन। इलाइट एडिशन बेसिकली इज ऑल अबाउट कॉस्मेटिक चेंजेस एंड नए फीचर्स जो आपको मिलते हैं होंडा अमेज के टॉप एंड वेरिएंट दैट इज VX में। ये बेस्ड है ऑन द टॉप एंड वेरिएंट VX। इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो ऑन ऑफर थे VX में, प्लस कुछ एडिशनल फीचर्स या फिर कॉस्मेटिक चेंजेस मिलते हैं आपको एक्सटीरियर में एंड इन द इंटीरियर। हम बात करेंगे क्या नए फीचर्स मिलते हैं, कितना प्राइस डिफरेंस मिलता है एंड शुड यू बाय दिस लाइट एडिशन या फिर आपको नॉर्मल वेरिएंट को ही स्टिक करना चाहिए। इंजन ऑप्शन वाइज एंड मैकेनिकल वाइज इट इज़ एग्जैक्टली सेम। आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 90 PS की पावर एंड 110 NM का टॉर्क एंड आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट मैनुअल एंड CVT दोनों के साथ अवेलेबल रहेगा। ऑल्सो जो कलर ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं दैट इज नोन एज मेटेरॉइड सिल्वर मेटालिक। चलते हैं वीडियो में, बात करते हैं अबाउट द ऑल न्यू अमेज इलाइट एडिशन। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ, बात करते हैं एक्सटीरियर में क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेडलैम्प सेटअप है वो एक्जैक्टली सेम है। आपको मिलता है प्रोजेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प सेटअप जो आता है ऑटोमेटिक हेडलाइट फंक्शन के साथ। LED DRL यहाँ पे प्लेस की जाती है। जो टर्न इंडिकेटर है हेलोजन में आता है एंड यहाँ पे प्लेस किया जाता है। एक क्रोम की स्ट्रिप रन अक्रॉस करती है फ्रंट ग्रिल में एंड यहाँ पे क्रोम एक्सेंट्स मिल जाते हैं ऑन द फ्रंट ग्रिल। होंडा का लोगो इन द सेंटर ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट बम्पर। यहाँ पे आपको मिलते हैं LED फॉग लैम्प्स, प्रोजेक्टर बेस्ड है एंड यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप मिलती है। फ्रंट से एज सच कोई चेंज नहीं मिलता, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम जो इलाइट एडिशन में आपको मिलता है। साइड से आपको एक चेंज मिलता है, 15 इंच के एलॉय व्हील्स है, ड्यूअल टोन आते हैं, डायमंड कट है, जिनका डिज़ाइन ओवरऑल सेम ही है लेकिन आपको इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाती है चारों ही टायर्स में। आगे डिस्क ब्रेक्स है, पीछे ड्रम ब्रेक्स है। ऑल्सो जो दूसरा चेंज मिलता है आपको यहाँ पे अमेज की फ्रंट फेंडर में फिनिश मिल जाती है क्रोम के साथ एंड अमेज की बैजिंग की जाती है ऑन द फ्रंट फेंडर, जो कि एक एडिशन है लाइट एडिशन में। थर्ड चेंज जो ORVM है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल तो आते ही है लेकिन आपको यहाँ पे एंटी फॉग फिल्म मिल जाती है। एज यू कैन सी जब भी कोई फॉग एक्यूमुलेट होता है तो एंटी फॉग फिल्म यूज़ हो सकती है स्पेशली इन विंटर कंडीशंस। शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है वहाँ पे। जो डोर हैंडल्स एक्सटीरियर के वो क्रोम फिनिश में आते हैं एंड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है फॉर द ड्राइवर साइड, ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड ऑफ द कार। तो रियर से एक और चेंज मिलता है आपको कि यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है ऑन द ट्रंक विथ LED लाइट, जो कि आपको यहाँ पे प्लेस की जाती है। रियर डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर नहीं मिलता। स्टॉप लैम्प यहाँ पे है, शार्क फिन एंटीना वहाँ पे प्लेस किया गया है। सी शेप्ड में LED DRLs मिल जाते हैं आपको टेल लैम्प में एंड यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है पीछे की तरफ एंड आपको क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है एट द रियर, ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर एंड। रियर से जो मेजर चेंज है आपको यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है विद LED एंड आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा प्लेस किया जाता है यहाँ पे। बात करते हैं बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस में एज सच कोई चेंज नहीं मिलता है आपको, 420 लीटर्स का ही बूट स्पेस रखा गया है एंड इतना ही कुछ मिलता है। इलाइट एडिशन में कोई भी चेंज इसमें नहीं मिलता है आपको। चलते हैं अब टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार। ऑल्सो एक और चेंज जो आपको रियर से मिलता है दैट इज़ आपको यहाँ पे इलाइट एडिशन की बैजिंग मिल जाती है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एज यू कैन सी पीछे ट्रंक पे प्लेस की जाती है इलाइट एडिशन की बैजिंग। ऑल्सो जो इलाइट एडिशन है उसमें आपको एक और फीचर मिलता है दैट इज़ टायर इन्फ्लेटर, जो कि आपको ऐसे बॉक्स में प्लेस किया हुआ मिलेगा। एज यू कैन सी आपको टायर इन्फ्लेटर भी इलाइट एडिशन में मिल जाएगा। ऑल्सो एज आई मेंशनड अबाउट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो आपको जो चारों यूनिट्स है ये वाले वो टायर पे इंडिविजुअली प्लेस किए जाएंगे एंड जो उसका डिस्प्ले होता है वो आपको होंडा कनेक्ट ऐप में मिल जाएगा। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ यहाँ पे आपको ऐसे यूनिट्स मिलते हैं जो चारों टायर पे फिक्स हो जाएंगे। सो ये थे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के यूनिट्स एंड टायर इन्फ्लेटर जो भी आपको मिल जाता है इलाइट एडिशन के साथ, जो कि आपको मिलता है ऐसे। अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में कि इंटीरियर से क्या क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्राइवर साइड डोर है आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। जो डोर साइड जो ड्राइवर साइड पावर विंडो है वहाँ पे आपको ऑटो अप एंड डाउन फीचर मिल जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM के कंट्रोल है, चाइल्ड लॉक के कंट्रोल्स एंड यहाँ पे सिल्वर फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल मिलता है एंड वही फिनिश आपको डोर हैंडल के अक्रॉस रन करते हुए दिखेगी। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, यहाँ पे स्पीकर प्लेस किया जाता है, स्पेस वन लीटर बॉटल, थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज एंड ओवरऑल हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही है डोर पे। एक चेंज जो आपको इलाइट एडिशन में मिलता है कि आपको डोर स्टेप इल्यूमिनेशन मिल जाता है क्रोम फिनिश में एंड ये जो है इल्यूमिनेटेड मिलता है ब्लू कलर में, विच लुक्स क्वाइट गुड। एक और चेंज जो आपको मिलता है दैट इज़ आपको इलाइट एडिशन में स्पेसिफिक यहाँ पे सीट कवर्स मिल जाते हैं विद द बैजिंग ऑफ अमेज इलाइट एडिशन, जो कि एक्सक्लूसिव है इस एडिशन के लिए। दिस इज़ हाउ दे लुक। फ्रंट के हेडरेस्ट एडजस्टेबल आते हैं,
एंड जो ड्राइवर सीट है आपको मैन्युअली एडजस्टेबल है, हाइट के लिए, रिक्लाइन के लिए एंड रीच के लिए, तीनों के लिए आपको मैन्युअली एडजस्टमेंट मिल जाती है। की में तीन बटन्स हैं, लॉक, अनलॉक एंड टू ओपन द बूट ऑफ द कार, जो कि सेम ही है, उसमें एज सच कोई चेंज नहीं है। चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो उससे पहले डैशबोर्ड पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे हेडलाइट, लेवलर के एंड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, जो कि इल्यूमिनेटर फंक्शन के साथ आता है। चलते हैं टुवर्ड्स ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टीयरिंग व्हील है उसका डिज़ाइन एक्जैक्टली सेम है, आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे म्यूजिक रिलेटेड कंट्रोल्स है, इंफोटेनमेंट रिलेटेड। पीछे आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं बिकॉज दिस इज द सीवीटी वेरिएंट जिसमें हम बैठे हैं आज। मैनुअल एंड सीवीटी में कुछ रीट्वीकिंग्स हैं, जैसे सीवीटी वेरिएंट्स में आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं लेकिन मैनुअल वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, जो कि सीवीटी वेरिएंट्स में नहीं मिलता है टॉप एंड वेरिएंट में। राइट हैंड साइड पे ऑटोमेटिक हेडलाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स है, लेफ्ट हैंड साइड पे वाइपर के कंट्रोल है एंड जो स्टीयरिंग व्हील है आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है, टेलीस्कोपिक मिसिंग है, जो आपको पहले भी नहीं मिलता था, इलाइट एडिशन में भी एड ऑन नहीं किया गया है। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। लेफ्ट हैंड साइड पे एनालॉग टैकोमीटर है, राइट हैंड साइड पे एनालॉग स्पीडोमीटर एंड सेंटर में आपको MID मिल जाती है विद ऑल द वार्निंग सिग्नल्स जो आपको मिलती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। अगर आपको MID मैनूवर करनी है तो यू कैन टॉगल इट फ्रॉम हियर। यहाँ से आपको रेंज, एवरेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी शोकेस करता है। फ्यूल मीटर है, रेंज शो कर देता है, टाइम शो कर देता है। इट इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेशन रिच, ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बात करते हैं इन्फोटेनमेंट सिस्टम की। 7 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, एक्जैक्टली सेम जो हमने देखा है होंडा में इसकी लाइनअप में। आपको मिलता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, लेकिन वायर्ड कनेक्टिविटी है। ओवरऑल 4 स्पीकर सिस्टम मिलता है, चारों डोर में इंडिविजुअल स्पीकर प्लेसमेंट की जाती है। उसमें भी एज सच कोई चेंज नहीं है, जो UI है दैट इज़ एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे सारे शॉर्टकट बटन्स मिल जाते हैं, हैजार्ड लाइट का बटन यहाँ पे प्लेस किया गया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है आपको इस वेरिएंट में एंड यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले है टेम्परेचर वाइज। चार्जिंग सॉकेट्स में यहाँ पे है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड यहाँ पे आपको 2 USBs मिल जाते हैं, एक से चार्ज कर सकते हैं, एक से एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है। CVT ट्रांसमिशन यहाँ पे मिलता है, 2 कप होल्डर्स है यहाँ पे। की मैंने आपको बता दी कैसी है, उसमें एज सच कोई चेंज नहीं है, मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है। एक और फीचर एडिशन जो इंटीरियर से मिलता है कि आपको यहाँ पे जो ड्राइवर आर्मरेस्ट है वो स्लाइडेबल मिल जाता है, विच इज़ अगेन वेरी गुड, एक अच्छा कन्वीनियंट फीचर है। पहले आपको फिक्स्ड मिलता था लेकिन इलाइट एडिशन में इट इज़ एडजस्टेबल, विच इज़ वेरी गुड। डैशबोर्ड ऐसा लगता है ओवरऑल हार्ड प्लास्टिक फिनिश में ही आता है, ब्लैक प्लस बेज ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है। ग्लव बॉक्स इज डिसेंटली साइज्ड। ऊपर की तरफ आपको मैनुअली डिमिंग RVM मिल जाता है एज यू कैन सी हियर एंड यहाँ पे 2 हैलोजन लाइट्स प्लेस की जाती है, विच इज़ अगेन गुड। सनग्लास होल्डर आपको नहीं मिलता है। वैनिटी मिरर ऑन द को ड्राइवर साइड एंड आपको ड्राइवर साइड पे नहीं मिलता है। ग्रैब हैंडल चारों तरफ मिल जाते हैं आपको। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द एलाइट एडिशन। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी द सेफ्टी फीचर्स जो आपको एलाइट एडिशन ऑफर कर देता है। अब हम बात करते हैं कार के सेकेंड रो के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोर पे अगेन आपको यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। जो स्पीकर है वो डोर पे यहाँ पे प्लेस किया जाता है। इंटीरियर डोर हैंडल अगेन सिल्वर फिनिश में ही मिलता है आपको। जो हमने स्टेप इल्यूमिनेशन आगे देखा वही कंटिन्यू फॉरवर्ड होता है पीछे की तरफ। एज यू कैन सी यहाँ पे लाइट की बैजिंग मिल जाती है। सीट कवर्स एग्जैक्टली सेम जो हमने आगे देखे। एलाइट एडिशन के स्पेसिफिक सीट कवर्स आपको पीछे मिल जाते हैं। आइसोफिक्स स्टाइल माउंट्स भी आपको पीछे की तरफ स्टैंडर्ड मिलते हैं बेस वेरिएंट से। बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट की। तो स्पेस एंड कंफर्ट वाइज एज सच कोई चेंज नहीं है क्योंकि द कार इज सेम एग्जैक्टली डायमेंशन वाइज। माय हाइट इज 6 फीट 2 इंचेस। फ्रंट की ड्राइवर सीट मेरी हाइट से एडजस्टेड है। एज यू कैन सी जो नी रूम और लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा खासा बच जाता है टॉलरेटेड पैसेंजर्स के लिए भी। पीछे AC वेंट्स नहीं मिलते आपको लेकिन एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जरूर मिल जाता है, दैट इज प्लेस देयर। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। ऑन द टॉप आपको यहाँ पर हेलोजन लाइट प्लेस की जाती है, विच इज प्लेस्ड हियर। फ्रंट के लिए अलग है, पीछे के लिए अलग है, दैट इज़ अगेन गुड। ग्रैब हैंडल यहाँ पे प्लेस किया जाता है एंड ग्रैब हैंडल पीछे के पैसेंजर्स दोनों साइड मिल जाता है। दिस इज हाउ द सीट्स लुक लाइक एंड आपको आइसोफिक्स स्टाइल माउंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं एंड जो सीट बेल्ट है फ्रंट के वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ नहीं आते हैं। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट द सेकेंड रो ऑफ द कार। सो ये था होंडा अमेज की लाइट एडिशन का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज इसकी प्राइसिंग की। सो एज मेंशन्ड अर्लियर
एलाइट एडिशन मैनुअल एंड सीवीटी ट्रांसमिशन दोनों के साथ अवेलेबल है। जो मैनुअल की प्राइसिंग है दैट इज़ रुपीज़ 9,04,000 एक्सरूम इंडिया, अगर आप सीवीटी में अपग्रेड करते हैं तो दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 9,86,000 एक्सरूम इंडिया। अगर नॉर्मल वीएक्स वेरिएंट से कंपेयर करें तो दिस वेरिएंट इज एक्सपेंसिव बाय 15,000 रुपीज़, जो कि आपको एक्सरूम एंड ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। 15,000 में ये सारे एडिशनल अराउंड 8 to 9 फीचर्स जो मैंने आपको शोकेस किए वो सब आपको अवेलेबल हो जाते हैं एलाइट एडिशन में। कमेंट डाउन आपको कैसी लगी ये कार, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द प्राइसिंग एंड व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर इन इट। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।